लग गए ना तुम्हें, छोटे बच्चे हो गया तुम। हाँ दिखाओ। अरे पिता की तरह तुम क्या हमेशा गिरते पड़ते रहते हो, लगे ना तुम्हें? गिरता पड़ता रहता हूँ मैं, अचानक से फोन पर बात कर रहा था तो वो लग गया यार, मैं जानबूझकर नहीं किया। मैंने देखा तुम इतना जोर से तुम्हें हिट किया उसे। मैंने जानबूझकर मैं क्यों करूंगा, जानबूझकर करण क्या? मैंने यार मैं करण को जब गुस्सा आता था ना, वो किसी बात से अपसेट होता था तो वो दीवार पे पंच करता था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसको इतना दर्द होता होगा। अब मुझे चोट लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो जब पंच करता था उसको कितना दर्द हुआ होगा। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि करण दीवार पे पंच क्यों मारता था? अगली बार जब तुम किसी को देखोगे ना दीवार पे पंच मारते हुए, तब ये मत समझना कि उसे दर्द नहीं होता। दर्द होता है बेशक, पर उसके हाथ में नहीं, उसके दिल में। दिल में, उसके दिल में बहुत दर्द होता होगा। क्यों पता? क्योंकि उसके दिल का दर्द इतना ज्यादा है कि उसके हाथ का दर्द उसे महसूस ही नहीं होता। क्या तुमसे एक बात पूछूं? करण मेरा भाई था, तुम उसको इतने अच्छे से कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही करण हूं। I mean, मैं करण जैसा हूं। लेकिन तुम कैसे भाई थे? भाई थे जो उसे कभी समझ नहीं सके। What do you mean by that? क्या बोल रहे हो तुम? जब करण पेन में था, जब वो दीवारों को पंच मारा करता था, तब तुम उसके साथ क्यों नहीं थे? तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है तुम थे वहां पर? Who are you to ask me this question? तुमने देखा? Do you know who was Karan to me? मेरा बच्चा था वो, मेरा भाई नहीं था वो। और तुम क्यों इतना बदल गए ऋषभ? क्यों अपने भाई को प्यार करना छोड़ दिया तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम कैसी जी, कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? मैं उसको प्यार करना बंद कर दूंगा? तुम कैसे ये बात बोल रहे हो? बिना जाने ये सब बातें मत बोलो यार। तुम फिर जान क्यों नहीं? अर्जुन, अर्जुन! I mean, फिर उसे जान क्यों ना सके? क्यों नहीं जान सके अपने भाई को? Excuse me, please, please. मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हो? I don't know. अर्जुन, तुम यहां पर मेरे घर में हो, मेरे परिवार के बीच में हो, हम सबके दिलों के बीच में हो, हमारे बिजनेस के बीच में हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। एक गुजारिश, मेरे भाई के लिए कुछ मत बोलना। मेरा भाई मेरी जान है और हमेशा रहेगा। प्लीज, तुम्हारा मेरा रिश्ता अच्छा है, इसको ऐसे ही बने रहने दो। इट विल बी बेटर। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।